तो यो यो, क्या हाल चाल आप सभी के। तो दोस्तों, लिटरली यार, लिटरली मेरे पास पोकेमोन जर्नीज के रिलेटेड इतनी ज़्यादा लीक्स निकल के आ रही है मेरे पास कि मैं हर रोज़ अगर एक न्यू वीडियो बनाऊँ ना तब भी वो लीक्स कम पड़ जाएगी। इसीलिए तो मैं हर रोज़ पोकेमोन जर्नीज के ऊपर वीडियोस ला रहा हूँ। और अच्छा भी है यार, मुझे फ्री के टॉपिक्स मिलते जा रहे हैं तो मेरे लिए अच्छा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सैना के रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी लीक्स आई है, इतनी कि यार मैं बता नहीं सकता, बहुत सारी लीक्स आई है, मगर मैं आपको थोड़ी बहुत बता देता हूँ आज के इस वीडियो में, बाकी की किसी और दिन कवर करेंगे, वैसे तो इसमें ही कवर हो जाएगी। तो ये जो मैंने लीक्स निकाली है ना, वो बहुत ही हार्ड है, हार्ड प्रूफ है, जो कि मैंने अपने एक सोर्स से पता किया है, और वो सोर्स भाई वैलिड है, बहुत वैलिड है, उसका नाम मैं नहीं लूँगा। तो बस अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सरीना के नाते अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपको सरीना चाहिए थी और सरीना पे वीडियो आ गई है। तो शेयर करो ना और कमेंट में बता देना कि वीडियो कैसा लग रहा था आप सभी को। तो अब लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप सभी को ही पता है कि सरीना के बारे में तो काफ़ी सारी लीक्स आती रहती है और मैं आपको बताता भी रहता हूँ, और उनमें से काफ़ी वैलिड भी हो जाती है, यानी कि सच भी हो जाती है हमारी प्रेडिक्शन कई बार। तो आज की जो प्रूफ है वो वैलेंटाइन डे के ऊपर है। हाँ, आपने सही सुना, वैलेंटाइन डे के ऊपर है, जिसमें पोकेमोन वालों ने एक पोस्ट किया था, यानी कि ये वाला पोस्ट अभी आपको सामने दिख रहा होगा, जिसमें ऐश और गो एक गिफ्ट पकड़े हुए हैं, और ऐश के पास तो वही गिफ्ट है जो उसने कालोस में सरीना के पास में लिया था। हाँ, आपको वो एपिसोड तो याद ही होगा जिसमें एक बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत ब्यूटीफुल था, और वहाँ पर सरीना ने ऐश को एक गिफ्ट दिया था, और वाह भाई वाह, उस दिन क्या ही ठंडी ठंडी पवन चल रही थी, और उसी दिन में वो उसने वो गिफ्ट दिया था, और वो मोमेंट काफ़ी यार बहुत बढ़िया था। और आपको वो मोमेंट के बारे में पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि उस एपिसोड में क्या हुआ था। तो हाँ, उस एपिसोड में जो गिफ्ट था वही का वही सेम टू सेम इस पोस्ट में भी हमें दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आप सभी को। तो यार, इसी से पता चलता है कि सरीना का आने का थोड़ा तो चांसेस बनता है वैलेंटाइन डे के ऊपर। और एक लीक्स के अनुसार मैं आपको बोल सकता हूँ कि 14 फरवरी से लेकर 8 मार्च के आसपास, या फिर उसके बीच, या फिर तो उसके बाद, यानी कि डिले भी हो सकता है सरीना को आने का। तो ये मेरे पास एक थोड़ा प्रूफ था तो मैंने आपको बता दिया। और हाँ यार, यहाँ पर इस पोस्ट में एस का तो समझ आता है, चलो उसका और सरीना के बीच में थोड़ा बहुत कुछ है तो उसको गिफ्ट मिला, मगर यहाँ पर गो क्या कर रहा है यार, यार मुझे ये समझ में नहीं आया, ये किसको गिफ्ट दे रहा है भाई। अरे भाई, तू क्या कर रहा है यार, चंपल पड़ेगी तुझे, तू ये सब छोड़ दे, कोई लड़की चंपल देगी। हाँ, मगर यार एक बात तो है, वो गो को यार शायद कुहारू लाइक करते, या फिर तो उल्टा भी हो सकता है, या कुछ कह नहीं सकते, वो तो वैलेंटाइन डे के ऊपर पता चलेगा कि ये दोनों क्या कर रहे हैं इस गिफ्ट के साथ। तो वैलेंटाइन डे आने दो, फिर हम बात करेंगे, फिर एक और वीडियो बनाएंगे इन दोनों के ऊपर। मुझे तो यहाँ पर गो के ऊपर ज़्यादा शक हो रहा है, ये बंदा कुछ गलत करने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है गो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, अपनी अपनी राय जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए यार। और अब बात कर लेते हैं कि अगर सरीना गाला रीजन में रिटर्न भी हो गई तो क्या उसकी एज बढ़ेगी, यानी कि वो बड़ी दिखेगी, या फिर तो वो जैसे ही पहले नॉर्मल थी वैसे ही लगेगी, यानी कि छोटी। तो यार, यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये नोटिस किया है कि पोकेमोन एनिमे में किसी भी कैरेक्टर की एज नहीं बढ़ाते वो लोग, अगर बढ़ा भी देते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो वैसे ही नॉर्मल रखते हैं। और यार, अगर वो बढ़ाएंगे किसी भी कैरेक्टर की एज तो उसको उसके हिसाब से पोकेमोन को डेवलप करना होगा, और उसकी जो स्ट्रेंथ जो होती है ना, अंदर की पावर वगैरह, वो सब कुछ भी चेंजेस करने पड़ेंगे अपनी एज की तरह। तो यार, सिंपली सी बात है, अगर पोकेमोन वालों को पैसा छापना है तो वो सभी कैरेक्टर्स की एज है वो नॉर्मली रखेंगे, कभी भी बड़ा नहीं करेंगे। क्योंकि यार एक बात नोटिस करो, पोकेमोन सन एंड मून में एस के साथ वो मिस्टी और ब्रोक भी रिटर्न हुए थे, तो यार आप सभी को पता है कि वो लोग तो काफ़ी समय से साथ थे कांटो रीजन में, और वो दोनों ही उससे बड़े थे। तो यार अब तक तो वो सन एंड मून में रिटर्न हो गए, तो शायद से उन लोगों को अब बड़ा हो जाना चाहिए था, यानी कि मैरिज के आसपास तो उनकी ईयर होगी, यानी कि 20 आसपास तो उनकी हो ही जानी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ, वो दोनों ही नॉर्मल लग रहे थे जैसे कि हमें पहले एपिसोड में दिखाए गए थे वैसे ही। और हाँ, एक और गौर करने जैसी बात है यार, ये तो बहुत बढ़िया है कि यार आप सभी लोग तो प्रोफेसर ओक को तो जानते ही होंगे, और आप सभी को ही पता है कि वो पोकेमोन एनिमे में कितने बड़े हैं, यानी कि सबसे बड़े वही होंगे शायद।
और उनकी एज की बात करें तो वो शायद 80 या फिर तो 70 साल के हो गए, यानी कि 70 के आसपास हो गए। तो अब तक तो उन्हें मर जाना चाहिए था, हाँ, यानी कि RIP प्रोफेसर ओक को हो जाना चाहिए था, मगर वो अभी भी जिंदा है। यानी कि इसका मतलब प्रोफेसर ओक अमर है भाई, वो देवता है, देवता। अभी तक प्रोफेसर ओक जिंदा है यार, यानी कि एज का कोई आपको मालूम होता है एज का? अभी तक तो प्रोफेसर ओक को पूरा बुढ़ा हो जाना चाहिए था, मगर अभी वो जवान है यार, क्या ही बात है पोकेमोन वालों, वाह, मुझे ये बात बहुत पसंद आई। यानी कि किसी भी कैरेक्टर, कोई भी हो, वो कब भी रिटर्न करे, उसकी एज नहीं बढ़ने वाली। हाँ, अगर इस पॉलिसी में अगर कोई चेंजेस आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा, इसके बारे में और डिटेल्स में बात करेंगे कभी और दिन। तो आज के लिए बस इतना ही था, तो आई होप कि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो यार आपने मज़े किए ना इस वीडियो को देखकर, तो अपने दोस्तों को भी मज़े कराओ और अभी के अभी शेयर करो इस वीडियो को। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ गाइस, हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर हमारे 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसके बाद मैं आपको पार्टी दूंगा, यानी कि हमारे चैनल पर एक इंटरव्यू होने वाला है बहुत ही धमाकेदार, जो कि शायद कल या फिर परसों आएगा। तो वो इंटरव्यू किसका है वो तो मैं बता दिया हूँ कब से, तो बस वेट करो, बहुत ही मज़ेदार है। तो कौन कौन एक्साइटेड है यार कमेंट में बताओ। तो मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय।